एक मिनट ये उतार दे ये राघव जी नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आरडब्ल्यू डीडीए मानसोपार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है सौजन्य से अनिल गौतम के द्वारा। हमारे बीच में आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भी हैं, पूरी टीम इनके साथ है। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे आज, शायद इस रामनगर अग्रवाड़ की बात करें तो दूसरा आपने ये स्वास्थ्य शिविर लगाया। देखिए आज जैसा आप देखा पिछले समय में कोरोना की वजह से लोग बहुत बीमार रहे जी, अस्पताल नहीं जा पाए, उसकी वजह से हमने सोचा कि जगह जगह कैंप लगाया जाए ताकि बुजुर्ग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अस्पताल नहीं जा सकते उनको यहीं पर ही हम कुछ टेस्ट करके उनकी स्वास्थ्य का बता सकते हैं कि कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो भाई देवी ठाकुर जी हैं, पुनीत चतुर्वेदी जी हैं, आरडब्ल्यूए जो मानसो पार्क डीडीओ फ्लैट जनरल के हैं, इनके सहयोग से आज यहाँ कैंप लगा गया ताकि इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाए। कितना ज़रूरी था इस क्षेत्र के लिए ये स्वास्थ्य शिविर लगा? देखिए मुझे तो लगता है आजकल पूरे क्षेत्र में ही जरूरत है क्योंकि हर घर के अंदर बीमार, सब घर में कुछ ना कुछ बीपी शुगर जी जी हर ही घर में पैदा हो गया है और लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल जाने में डर लगता है और अभी डेंगू मलेरिया का प्रकोप बहुत चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में भी जगह नहीं है। तो अगर हम पहले ही लोगों को ये पता चल जाए कि उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है तो वो पहले ही अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आज यहाँ पे कौन कौन सी जांच हम लोग करा रहे हैं? देखिए यहाँ सांस की जो फेफड़ों की जांच हो रही है, कैल्शियम की जांच हो रही है, बीपी शुगर जनरल जो होता है, डॉक्टर जेडी शर्मा जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके सपुत्र हैं डॉक्टर अमित शर्मा जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है कि उनके द्वारा हमें ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और शर्मा जी भी खड़े हैं, सभी लोगों का सहयोग है, नवीन शर्मा जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, ताहिर भाई हैं, सभी लोगों के सहयोग से किया जा रहा ताकि लोगों के जागरूक किया जाए कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। देवी ठाकुर जी आप क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? सर पिछला कैंप इन्होंने रामनगर में लगाया था जी, वहाँ मैं गया था, मेरे मित्र के यहीं लगा था, मुझे अच्छा लगा और मैंने बोला कि अनिल जी ऐसा कैंप हमारे यहाँ भी लगाइए क्योंकि लोगों के अंदर पता है कुछ दिक्कत परेशानी है, परेशान है, हॉस्पिटल जाते हुए भी डर रहे हैं लोग बाग कि वहाँ से ऐसा ना हो कि हम जाएं और बीमारियाँ लेके आए। बिल्कुल ठीक है। तो अनिल जी से रिक्वेस्ट की, मैं कहा आप कैंप यहाँ पे लगाइए, हमारे लोगों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। अनिल जी ने तुरंत तो बोला ठीक है जी, दशहरे के बाद लगाएंगे और आज कैंप लगाया। भरपूर जनता फ़ायदा उठा रही है, उठा रही है जी, सब आपके सामने है, लोग बाग आ रहे हैं, खुश भी हैं कि घर बैठे उनकी जाँच हो रही है। अनिल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में, जैसे कि चुनावी माहौल भी शुरू हो चुका है, क्या रहने वाला है? अनिल जी जैसे आदमी आ जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है जी, क्या जनता इनके साथ होगी? बिल्कुल होगी सर, पहले भी रहे हैं, अच्छे काम किए इन्होंने, कहीं फ्री के चक्कर में जनता बहेगी तो नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिजली फ्री, पानी फ्री, हाउस टैक्स फ्री जो चल रहा है आज की तारीख में। देखिए जी बस मैं जनता से यही कहूँगा जितना पढ़ा लिखा तबका है सब समझदार है जी, लेकिन बस दिक्कत ये आती है वोट डालने। अगर समझदार होता तो दिल्ली के अंदर शायद वोट डालने नहीं जाता जी, घर बैठे सब कहते हैं अगर वही चीज़ वोट डाल दें भाई, जिनको फ्री मिल रहा है हम लोगों को कहाँ फ्री मिल रहा है मुझे बताओ ना आप जी। है कि 200 यूनिट से कम हमारे घर में बिजली फूकती हो, पानी फ्री का रखा है, क्या क्वालिटी आ रही है, रोज़ का 100 रुपये का पानी खरीद के पी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो फ्री का हम लोगों को तो फ़ायदा है नहीं, जिनको फ़ायदा वोट डालते हैं, हम जैसे लोग पर ये देखते हैं कि 3 छुट्टियाँ पड़ गई घूमने निकल लो बाहर, तो इस बात तो जनता से ये कहूँगा कि घर से बाहर निकलें, वोट ज़्यादा से ज़्यादा दें और अच्छे लोगों को लाएँ। बहुत बढ़िया बात कही विपिन, क्या क्या कहना चाहेंगे आज के कैंप के बारे में? आज के कैंप के बारे में कहना चाहेंगे भाई, इस कैंप की हमारे यहाँ बहुत आवश्यकता थी, अभी जो कोरोना काल गया है हमारे फ्लैटों में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं मतलब ज़्यादातर लोग नीचे नहीं उतर पा रहे, सीनियर सिटीजन हैं, डी के ब्लॉक हैं हमारे यहाँ, ऊपर से नीचे नहीं आते, तो वो लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं, हॉस्पिटल जाने की बजाय यहाँ पर हम लोगों को जो सुविधा मिल रही है तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पर।
इस तरीके के कैंप और लगने चाहिए? हाँ, इस तरीके के कैंप लगने चाहिए। और अनिल जी ने जो ये शुरुआत करी है, इसमें सबसे जो इन्होंने PFT का मेन इन्होंने जो टेस्ट है जी, क्योंकि अगर आप देखो कोरोना में जितने भी लोगों को क्षति पहुंची है, सांस की प्रॉब्लम से शुरू हुई और लंग्स तक रही, तो अगर ये PFT वाली जांच थोड़ी डिफरेंट भी है, मैंने भी पहले और भी कैंप्स में देखा PFT जांच कम होती है, तो इस तरीके हम अनिल जी से आग्रह करेंगे कि आगे भी कराते रहें। वैसे भी हमारी सोसाइटी को बहुत सपोर्ट करते हैं, अगर हमारे यहाँ साफ़ सफाई की आवश्यकता होती है, ये सीट पे है या नहीं है, जी, हमारे लिए हमेशा समर्थन में रहें। हमारे को कभी भी कष्ट हुआ है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हुई है, तो अनिल जी आते हैं। हम आगे भी चाहेंगे कि इस तरीके कैंप हमारे लिए लगवाते रहें। फ़ायदा मिल रहा है, बिल्कुल जरूरत है वास्तव में। और अनिल भाई का तो इतिहास रहा है, पहले भी उन्होंने खूब जनसेवा करी है, खूब काम करा है। बसीन साहब हमारे बीच में है, जो कि सीनियर, मैं ये कहूँगा कि सीनियर सिटीजन होने के साथ साथ प्रमुख समाज सेवी भी हैं। बसीन साहब क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत की है हमारी RWA ने जी, और इसका सारा जो श्रेय है वो अनिल जी को जाता है जी, क्योंकि इन्होंने हमें इनक्रेज किया और हमने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। और मैं सोचता हूँ कि ये एक कॉलोनी वासियों के लिए, और भी लोग बाहर के भी आएँ उनका भी वेलकम है जी, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा अनिल जी से कि आप ऐसे कार्यक्रम कराते रहें रेगुलर इंटरवल्स पे, और हमारे लोगों को लाभ मिलता रहेगा। अनिल जी का साथ आने वाले समय में यहाँ की जनता देगी, यहाँ की RWA देगी? अब तो टाइम ही हमारा आ रहा है कांग्रेस का जी, अब तो टाइम कांग्रेस का आ ही रहा है। क्या आपको लगता है ये जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी? अब वो ऑप्शन नहीं है, जनता को फ्री चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन सर, जनता को फ्री चाहिए। बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, प्यार मिलेगा, मंदिर बन रहा है, फ्री मिलेगा प्यार। जय श्री राम, मंदिर बन रहा है। वो मंदिर बन रहा है तो देखो जी, बात यह है कि मंदिर तो सबके लिए है, क्या कांग्रेसियों के लिए मंदिर नहीं है? क्या कांग्रेसी मंदिर नहीं जाते? क्या जनता वापसी कांग्रेस की ओर देख रही है? बिल्कुल बिल्कुल देख रही है। जो दिन है वो रोज़ चेंज हो रहे हैं, डेली चेंज हो रहे हैं, जो झुकाव है कांग्रेस की तरफ हो रहा है जी। और जहाँ तक मंदिर की आपने कही, तो मंदिर तो सबका है जी, हो सकता है कांग्रेस ही ज़्यादा ही मानते हो। अब ये तो लोगों का वहम है ना जी, कि BJP का मंदिर और BJP सब कुछ कर रही है, कांग्रेस ही मैं समझता हूँ ज़्यादा मानते हैं। बहरहाल आज के कैंप की अगर हम बात करें तो जनता लाभ उठा, बहुत लाभ उठा रही है, और सब लोग खुश हैं, और जाते जाते सब थैंक्स बोल रहे हैं जी, और ये भी कह रहे हैं कि इसको दोबारा भी ऑर्गेनाइज करना। भाव जी, आप अपना नाम बताएं। KP शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे इस तरीके के कैंप से? इसमें अवेयरनेस होती है और लोगों का फायदा होता है, उनके घर बैठे ही चेकिंग हो जाती है जी, तो हम चाहेंगे इस तरह के कैंप लगाते रहें और पब्लिक में अवेयरनेस बनाए जाए। खुश हैं आप इस तरीके के कैंप से? हाँ, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, कोई पैसा हाँ, नहीं। हमारे यहाँ ये CGSS डिस्पेंसरी है, यहाँ पर भी आयुर्वेदिक खोलने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं जी, लेकिन अभी तक नहीं खुली, जबकि यहाँ पे सेंट्रल स्टोर है जी, पूरी 8-10 कॉलोनियों का जी, लेकिन अभी तक वो अवेयरनेस नहीं हुई। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोल दी जाए, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल स्टोर है, एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट देना है, बाकी कोई खर्चा भी एडिशनल नहीं है, एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट का खर्चा है, और जगह आधे से ज़्यादा खाली पड़ी है डिस्पेंसरी के अंदर जी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे आयुर्वेद का इलाज हो, और उसमें बहुत लोगों का विश्वास है। CGSS आप क्या कहेंगे? हेलो, मैं तो ये पहले मैं RWA एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरा नाम CS पटेल है जी। और सबसे पहले तो मैं गौतम जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज हम लोगों के RWA DDA पार्क में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जिसमें 4 टेस्ट होनी है, ब्लड शुगर होना है और ग्लूकोज लेवल लेने ब्लड, मतलब डायबिटीज मारने के लिए, और PFT टेस्ट होगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होगा, और वजन का टेस्ट होगा, BMD होगा। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, और मैं अपने हमारे सेक्रेटरी मिस्टर पुनीत और हमारे प्रधान प्रेसिडेंट साहब श्री ठाकुर जी का मैं भी बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में हमारे राघवेंद्र जी हैं और जय सिंह साहब, पूरी टीम RWA की, सारी टीमों को सबको बधाई देना चाहता हूँ, विशेषकर हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का बड़ा योगदान है, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। और हम तो और लोगों से अनुरोध करूँगा कि ऐसा मेडिकल कैंप लगाते रहें, जिससे हमारे यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है उनको ज़्यादा लाभ होगा। एक तरफ तो मोहल्ला क्लिनिक भी खुले हुए हैं, क्या मोहल्ला क्लिनिक ज़्यादा फायदेमंद है या ये नहीं? ये मोहल्ला क्लिनिक में तो जो सीनियर सिटीजन लोग जा नहीं पाते हैं क्योंकि थक जाते हैं, तो ये जैसा कैंप अगर होता है और भी लोग हमारे RWA के प्रधान कराते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल ठीक, क्योंकि फंक्शन जो कुल मिला के मोहल्ला क्लिनिक से फायदेमंद ये वहाँ किसी को नहीं मिलती जगह जी, वहाँ डांगर बंधे हुए हैं उसमें मोहल्ला क्लिनिक में, पैसे की बर्बादी है, पैसे की
बर्बादी है, कोई वो नहीं, फायदा नहीं मिल रहा। ऐसे जो आप कैंप लगाओगे उससे बहुत फायदा होगा, सीनियर सिटीजन को भी, वैसे आदमियों को भी, सबको, बच्चे बड़े चेकअप करा सकते हैं। और वहाँ कोई जा नहीं सकता, जिसे पता है वो जाता है, नहीं तर बस अपना बैठे अपने घरों। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? कैंप तो बहुत बढ़िया आयोजन है RWA के द्वारा, और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, मेरी अपनी यही इच्छा है। और मोहल्ला क्लिनिक का जहाँ तक सवाल है, वो यहाँ पर बहुत दूर दूर है जी, वो नज़दीक नहीं है, तो अगर हेल्थ चेकअप इस तरीके से लग जाता है तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए तो विशेष कर। बहुत बढ़िया बात, आप क्या कहेंगे? पहले तो भारत TV को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमारे बीच में आकर धन्यवाद लिया। ये जो कैंप लगा सीनियर सिटीजनों के लिए, बहुत ही अच्छा उनका विचार है जी। और ये कैंप में सीनियर सिटीजन को बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है, जैसा कि मोहल्ला क्लिनिक है, ये मोहल्ला क्लिनिक बना तो दिए हैं, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है जी। ना वे BP चेक करा सकते, ना शुगर चेक करा सकते, ना दवाई गोली मिलती है, और वहाँ पे मतलब हमेशा जो है बंद ही मिलते हैं। तो फिर ये खोले क्यों गए? केवल पैसा? ये केवल पैसे की बर्बादी है जी। पैसे की बर्बादी है, और देश में का जो पैसा है वह उल्टा सीधा बर्बाद किया जा रहा है। मानसो पार्क के लोगों की अगर हम बात करें तो लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ फ्लैट है, क्या किसी को फायदा मिल रहा है मोहल्ला क्लिनिक से? मोहल्ला क्लिनिक से कोई फायदा नहीं मिला, इन कैंपों से फायदा मिल रहा है। इन RWA ने, DDA फ्लैट मानसो पार्क ने जो ये कैंप लगाया है, ये बहुत सुंदर कार्य किया इन्होंने, और इससे बहुत सुविधा मिल रही है, और अपना लोग बाग टेस्ट करा रहे हैं। ऐसे कैंप लगते रहे? हाँ, ऐसे कैंप जगह जगह लगते रहने चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन के बस की चलना फिरना तो है नहीं, और यदि पास पास कैंप लगेंगे उनका बहुत फायदा मिलेगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे इस कैंप के माध्यम? हाँ, कैंप लगाया RWA ने तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि घर से टाइम नहीं दे पाते तो जा नहीं पाते टेस्ट के लिए, तो अच्छा है, लोगों में अवेयरनेस आती है अपनी हेल्थ के प्रति, तो जो लोग नहीं जा पाते उनके लिए अच्छा है कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते हैं और अपना टेस्ट वगैरह कराते हैं। आप भी टेस्ट कराने आए हैं अपने जाँच? हाँ, मैं भी करा लूँगी, मैं RWA की मेंबर ही हूँ। RWA के मेंबर हैं। बहुत अच्छा काम कराया इन्होंने, अनिल गौतम जी और देवी देवी ठाकुर भाई ने, मतलब यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करा हम लोगों की सुविधा के लिए, और अच्छा है। बेसिक बीमारी तो पता चली जाएंगी सबको कि भाई क्या है, ऐसे तो कोई जाता ही नहीं है। एक तरफ तो मोहल्ला क्लिनिक भी खुले हुए हैं, क्या आप लोग वहाँ जाके? नहीं नहीं, अभी हम वहाँ पे ज़्यादा नहीं प्रेफर करते, मतलब वहाँ पे हम नहीं जाते। अब ये तो पड़ोस का कैंप है, तो इसमें आके सभी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और देखो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और सभी अपना चेकअप तो करा ही रहे हैं, मतलब।